आइए सर, चलिए ज्वाइन करिए। नमस्कार मित्रों, मैं जय कृष्ण कुमार, बिहार प्रदेश प्रभारी मिशन 100 करोड़ वृक्ष। आज हम सैंडिस में विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में प्लांटेशन कर रहे हैं। ये पहला पौधा सर ने दिया है, मनोज सर ने, उनके परिवार ने घर में इसे रेस्क्यू करके रखा हुआ था और आज सैंडिस में से प्लांट कर रहे हैं। इसके साथ ही भी और भी हमारे पास बहुत सारे पौधे हैं। ये पहला पौधा है जो हम लगा रहे हैं। मैम आप आइए, मैम आप बोल रहे थे किस तरह से इसको रेस्क्यू करके रखे हैं, इसको बताएं कैसे आपको मिला था और इसको कैसे आप इसको बचा कर रखे। मिला तो ये है मिट्टी, उसको ये हमारे यहाँ जो अपार्टमेंट है ना उसमें एक बरगद का पौधा ऐसे हो गया, तो हम बोले कि इसका जो है बोनसाई बनाएंगे, ऊपर ले आए तो इसके बगल से एक टहनी निकला था, क्योंकि नीचे मिट्टी था तो टहनी से खुद जो है रूट निकल रहा था, तो हम इसको अलग काट निकाले, तो एक जो मुख्य पेड़ था वो तो रह ही गया और उसके साथ इसको भी लगा दिए, तो दो पेड़ जो है। जी जी, ये टहनी से भी जो है ना ये सर्वाइव करता, अगर लगा कर इसमें पानी लगातार देते रहे तो धीरे धीरे पौधा बन जाता। लेकिन इसमें क्या था ना, अपने रूट निकला हुआ था वो बहुत अच्छा रहा, पानी ले नीचे से और इसीलिए हमको लगा कि जब रूट है तो जरूर। जी जी, ये प्रयास था और उसे आपने जीवन दिया है, बहुत अच्छा। सर भी आ चुके हैं। जी सर, आपने भी इनको पालने में बड़ी सहयोग किया है, आज स्थापित कर रहे हैं। मिसेज तो पाल ही रही है और मेरा भी अब पूरा योगदान रहेगा कि कहीं भी अगर पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, छोटे छोटे पौधे हैं तो उसको ला करके गमले में लगाना, उसको फिर तैयार करना और जाके कहीं उसका वृक्षारोपण करना। और फिर से हम आप सबों के टीम को पूरा पूरा धन्यवाद दे रहे हैं और लोगों से भी गुजारिश करते हैं आपके माध्यम से कि लोग पेड़ लगाएं, जीवन बचाएं, बिना पेड़ के जीवन संभव नहीं है। धन्यवाद। जी धन्यवाद। जी जी, ये मेरा विद्यार्थी है जी, राजेश जी जी, इनसे पूछिए हमने स्कूल में कितने पेड़ लगाया है, कितने सेवा करते थे इसमें सेवा करने। जी हमें वो अच्छी बात है कि आपने बहुत सारा प्लांट लगाया है, हम खुशी महसूस करेंगे कि आप उससे क्या सीख लेते हैं, आप आगे उम्मीद क्या रखते हैं, आप अपने स्तर से प्लांटेशन को जगह देते हैं, आप इच्छा होती है प्लांटेशन। जी जी बिल्कुल सर, के बारे में बताएं आपने किस तरह से प्लांटेशन किया हुआ। सर को हमने सहयोग किया सर, हमारे बहुत सारे पेड़ लगाने के लिए मदद भी की है और हम लोग सब मिल करके अपने बहादुरपुर हाई उच्च विद्यालय में हम लोगों ने पेड़ लगाया। जी जी बहुत अच्छा। जी सर, हम जो है वो मतलब कि जैसे फोटो खिंचाने का संजोग मौका लगा है जी, हम सेवा यूं ही करते हैं। बहुत अच्छी बात। संदेश कंपाउंड में भी 13 नीम का पेड़ लगाया, बहुत, अभी सिर्फ एक है और रोज पानी देने के लिए आते थे। बहुत सही। लेकिन दुख होता था कि जब आते थे शाम को देखते कि टूटा हुआ गाछ है। खैर ये दुखद है सर, लेकिन अब लोगों में जागृति आ रही है। हमने लगाया है लगभग यहाँ पे 15 पौधा इससे पहले और उसमें लगभग पौधा सर्वाइव में, अभी सब हम दिखाएंगे आपको। हम देख रहे हैं। जी जी जी, आप आइए सर, आप बता रहे थे कि आपके पास खाली प्लॉट है और आप प्लांटेशन का उद्देश्य रख रहे हैं और भी आप पर्यावरण दिवस पर उपस्थित हैं, इसमें आप क्या सोचते हैं पौधा लगाने, बताइए। पेड़ लगाने से स्वच्छता बढ़ती है, प्रदूषण मुक्त होता है और मैं अपने बगीचे में 1000 वृक्ष मतलब लगाना है। जी ये आपका खाली प्लॉट पड़ा हुआ है, उसमें लगाना। ये बारिश शुरू होते ही बारिश जुलाई में। जी हम आपके साथ होंगे, बिल्कुल बेशक। जी आइए सर, आप कुछ कहना चाहेंगे। तो हम तो अभी एक ठो और लगा कर आए हैं, लल्ले लखमल खास। जी जी बहुत कुप्पा घाट से साधु संत महात्मा गए हुए उन्हीं के साथ। आपका नाम सर? सुबोध मंडल। जी समाज से भी मैं जानता हूँ आपको, मेरे फेसबुक पेज पर आप हैं और बंटी से हम जुड़े हुए हैं। अच्छा अच्छा। जी जी बहुत अच्छा, ठीक है। हम फिर और भी प्लांटेशन कर रहे हैं, आते हैं फिर से लाइव में। ये हमें पहला पौधा है बरगद का जो हमने लगाया और इसके बाद एक और पौधा है, खोलिए इसके। अच्छा ठीक है, किधर गए रुपेश जी? शुरू
अभी सर जी अपना बात रखिए, आज पर्यावरण दिवस है, बीच में आके बोलिए ना, ठीक है बोलिए मैम से, अभी फिर से बैठ लेंगे। आज विश्व पर्यावरण दिवस है और सबको विश्व पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामना। सभी मित्रों सभी बंधुजनों से मैं अनुरोध करता हूँ कि सोशल मीडिया से वो भी बाहर आएं और कम से कम एक पौधा जरूर लगाएं, अपने मित्रों को भी प्रेरित करें। यकीन मानिए बहुत अच्छा लगता है प्लांटेशन करके। ये हम लोगों का जो मित्र समूह है, हम लोगों ने भी इसे बहुत हाल फिलहाल में ही शुरू किया है, लेकिन हम लोगों को बहुत आत्मसंतुष्टि मिलती है जब हम लोगों ने पौधा लगाया है। बहुत सारे मित्र आते हैं, कोई पानी डालते हैं, अपने अपने तरह से सहयोग करते हैं। हम तमाम लोगों से भी अपील करते हैं कि जो लोग इच्छुक हैं वो हम लोगों से संपर्क करें और आज जो हम लोग प्लांटेशन कर रहे हैं आप भी कीजिए, यकीन मानिए बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद। एक बार फिर से सर आप दोहरा दीजिए अपनी बात। मैं भागलपुर वासियों से आग्रह करूंगा अपने जीवन में सिर्फ एक लक्ष्य रखें, प्रकृति को खुश दें, क्योंकि प्रकृति से हम लोग बहुत कुछ पाते हैं। अपने जीवन में प्रकृति को सिर्फ इतना करें कि एक पेड़ दें, इस धरती को एक पेड़ दें, ताकि धरती भी सुरक्षित रहे, ताकि हम सबका जीवन भी सुरक्षित रहे। आज पर्यावरण दिवस है, वो सबको हम शुभकामना देना चाहते हैं और पर्यावरण से सब कुछ प्राप्त होता है मुझे, तो इसीलिए आज के दिन हम एक पेड़ लगाना चाहिए और सबको शुभकामना। आज विश्व पर्यावरण दिवस है, आज ही नहीं प्रत्येक दिन हम लोगों को प्लांटेशन करना चाहिए। प्लांटेशन बेहद जरूरी है, पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वृक्षारोपण, और कोई भी एकल प्रयास उतना अच्छा नहीं हो सकता है जो समूह में किया जा सकता है। तो सामूहिक प्रयास से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन लगा सकते हैं, और जो भी पेड़ पौधा लगाने के इच्छुक हो हमारे जो संगठन है उनसे संपर्क करिए और मिशन 100 करोड़ को सक्सेस करिए, सफल बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज 5 जून है, आज पर्यावरण दिवस है, और आज के दिन हमें हर एक दिन पेड़ पौधे लगाना चाहिए, जिससे कि देखभाल करनी चाहिए। हाँ हाँ लगाना, तो सांसें हो रही कम, पेड़ लगाए हम। मैं बीरेंद्र कुमार उच्च विद्यालय बहादुरपुर से सेवानिवृत्त शिक्षक हूँ। मुझे पेड़ से बहुत अधिक लगाव है। हम अपने स्कूल में कम से कम 1000 तुलसी का पेड़ लगाए हुए हैं, और पौने 200 के आसपास सागवान का है, और 163 पीती का अर्जुन का है, और नीम का 63 गाछ है। ये गाछ हमने कहीं नर्सरी से नहीं लिया है, जहाँ तहाँ चारों तरफ से खोज के लगाया बहुत है। अच्छा है। लोगों ने ये कहा कि नीम का गाछ फला हुआ नहीं लगता है, लेकिन मैं साबित कर दिया हूँ। अभी हमारी बहादुरपुर हाई स्कूल में एक नहीं बल्कि 50 और 70 से बेसी पेड़ लगे हुए हैं नीम के। और नीम का क्या है, एक बार ऐसे ही पृथ्वी दिवस पर बात हो रही थी तो लोगों ने कह दिया तुरंत कितना बड़ा पेड़ छे हो, हमने पेड़ कम से कम उस समय 15 का है और आज तो 30 से ऊपर का सब पेड़ है। मास्टर सर, आज पर्यावरण दिवस के अवसर पर मैं इस स्वरचित पंक्तियों के द्वारा एक संदेश देना चाहूँगा कि ज्यादा सच गया है, प्रकृति समस्ती सबको समान, हर धर्म जाति को देती सम्मान, इससे लाभान्वित होता हर इंसान, हर कोई करता जल का पान, वृक्षों के फल सबको भाते, सबको भाती शीतल पवन, मंदिर मस्जिद बैर कराते, मेल कराते उपवन। मैं अजीत कुमार, ये बढ़ती इंडिया की जनसंख्या के कारण हम लोग जो आज सोचे हैं कि पर्यावरण दिवस के अवसर पे बहुत सारे पेड़ लगा रहे हैं, ये मिशन बरकरार रहना चाहिए, आने वाले दिन में 100 करोड़ जल्दी ही पूर जाएगा, इसलिए हम लोग अग्रणीय हैं और बना कर रखेंगे, पेड़ को संभाल कर रखेंगे, ये हमारा संदेश है। जय हिंद जय भारत। मैं संदीप कुमार दुबे पूरे देशवासियों को आज पर्यावरण की के लिए शुभकामना देता हूं और ये जागरूक देता हूं कि एक पेड़ जरूर लगाए और उपयुक्त जगह पर, खाली जगह पर आप पेड़ ला करके लगाए, जिससे कि हमारे पेड़ पे हमें सांस मिले, बहुत सांसें कम हो रही है। मिशन 100 करोड़ के तहत आओ पेड़ लगाए, हम में शामिल हुए, यही मेरे लिए। धन्यवाद। मैं अमित, सांसें हो रही है कम, पेड़ लगाए हम। सांसें हो रही है कम, पेड़ लगाए हम।
सांसें हो रही है कम, पेड़ लगाए। अरे तुम लोग के मुंह में बोली ना है, पेड़ लगाए जीवन बचाए। पेड़ लगाए जीवन बचाए, पेड़ लगाए जीवन बचाए, पेड़ लगाए जीवन बचाए, पेड़ लगाए जीवन बचाए। मैं अमित कुमार भागलपुर से आज विश्व पर्यावरण दिवस पे सभी को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और उसका स्वागत करता हूँ इस विश्व पर्यावरण दिवस का। और आज ये जो आज पर्यावरण दिवस है, सिर्फ एक दिन पर्यावरण दिवस पे पौधा लगाने से नहीं होगा, ये आपको रेगुलर करना पड़ेगा और उसकी देखभाल भी करना पड़ेगा। और यही एक ऐसा काम है जिसमें लॉस नहीं है, 100% प्रॉफिट की गारंटी है। ये वृक्ष किसी भी चीज़ का हो, ऑक्सीजन आपको देगा ही देगा मरते दम तक, और ये आपके अगले जनरेशन आपके बच्चों को भी ऑक्सीजन देता रहेगा। इसलिए हम सभी देशवासियों और सभी विश्व से भी अनुग्रह करेंगे, आग्रह करेंगे कि कम से कम अपने लाइफ में, कम से कम अपने जन्मदिन के अवसर पर भी खुशी मनाने के लिए एक पेड़ जरूर लगाएं। इससे इतना तो आप कर ही सकते हैं, इससे कम से कम ये आपको, आपके आने वाले जनरेशन को ऑक्सीजन भी देगा, फल भी देगा, और फलदार वृक्ष लगाएं तो और अच्छी, और गर्मी का तापमान भी कम करेगा। इसलिए आप सभी कम से कम अपना योगदान दे, इतनी भाग दौड़ वाली जिंदगी में पर्यावरण के लिए कुछ करें। धन्यवाद। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी को, पूरे देशवासियों को बधाई। गांधी जी ने कहा था, देयर इज एवरीथिंग फॉर ह्यूमन नीड बट नॉट फॉर ह्यूमन ग्रीड। तो पर्यावरण को बचाने के लिए ग्रीडी मत बनिए और उसके यूज कीजिए उसको प्लानिंग वे में, ठीक है। तो इस ऑन द ईव ऑफ एनवायरनमेंट डे आई वांट टू से दैट एवरी पर्सन शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्री। थैंक यू। मैम चलिए परिचय दे दीजिए। सीता भगत, डॉक्टर सीता भगत, एसोसिएट प्रोफेसर इन एमएम कॉलेज नगस्या। और हम लोग ये सभी जानते हैं कि पेड़ जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा जो है वो कार्बोहाइड्रेट भी बनाता है, साथ ही ऑक्सीजन देता है और वाटर भी निकालता है। इससे क्या होता है कि अधिक से अधिक हम पेड़ लगा करके ये जो ग्लोबल वार्मिंग टेम्परेचर जो हमारा बढ़ रहा है उसको हम कम कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ जो है पेड़ जो है हमारे लिए जीते मरते हर हमेशा जो है पेड़ की जो है ज़रूरत है, और ये हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी ज़रूरी है। और आए आज विश्व पर्यावरण के दिन हम प्रतिज्ञा करें कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और पर्यावरण की रक्षा। मैं मनोज कुमार, पीजीटी केमिस्ट्री केंद्रीय विद्यालय कंकरबाग पटना, सॉरी केंद्रीय विद्यालय जमालपुर में अभी हैं प्रदाशी। आज का दिन विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसलिए मनाया जाता है कि लोग पर्यावरण के प्रति जागरूक हों और ख़ास करके पेड़ लगाने के प्रति। और आपको आश्चर्य होगा, गांव में जब हम पूछते हैं लोगों से कि वृक्ष का काम क्या है, तो वृक्ष का काम नहीं जानते वो, 10 में से 8 आदमी वृक्ष के बारे में नहीं बता पाते हैं। जो मुख्य काम है कि हमें ऑक्सीजन देती है, साधारण भाषा में ऑक्सीजन देती है, जो ऑक्सीजन के बगैर हम चंद मिनटों तक जिंदा नहीं रह सकते। फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करती है, जिससे आपको पता है कि ग्लोबल है कि डिफॉरेस्टेशन हो गया। और एक यूथ ने बताया था कि जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है वो मुख्य रीजन है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है इसकी जड़ में मुख्य रीजन है। और ना तो हमारी सरकार ना तो हमारी कोई संस्था पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पे काम करती है। पर्यावरण तभी बचेगी जबकि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन रुके, डिफॉरेस्टेशन रुके, फॉरेस्टेशन हो। और इस मौके पे हम खुद भी प्रतिज्ञा लेते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण की रक्षा करने की कोशिश। और हम अपने अभी गर्मियों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इसका एक ही वजह है कि डिफॉरेस्टेशन हो गया। और एक यूथ ने बताया था कि जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है वो मुख्य रीजन है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है इसकी जड़ में मुख्य रीजन है। और ना तो हमारी सरकार ना तो हमारी कोई संस्था पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पर काम करती है। पर्यावरण तभी बचेगी जबकि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन रुके, डिफॉरेस्टेशन रुके, फॉरेस्टेशन हो। और इस मौके पर हम खुद भी प्रतिज्ञा लेते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण की रक्षा करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। शेयर करना जैसे होगा ना लाइव, उसको शेयर कर।
उपेश जी आइए, यूँ बोलते हैं। सबसे पहले तो जो है हमारे जितने भी यहाँ पर जब युवा जो है अभी देख रहे हैं या फिर जो बाद में देखने वाले हैं, सबको जो है पर्यावरण दिवस की जो है ढेर सारी जो है बधाइयाँ। और पर्यावरण दिवस के जो है अवसर पर जो है मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से जो है हम लोग जो इस मिशन से जुड़ करके जो है अपने देश की हरियाली में अपने योगदान दिला रहे हैं, कृपया कर जो है आप लोग भी जुड़े और हमारे देश को जो है हरियाली की जो है गोद में जो है समा दें। क्योंकि जो है कहना चाहूँगा कि जो है अब हम लोगों का या फिर जो है जन जन का जो है अब जो है यही होना चाहिए संदेश, जन जन का अब हो यही संदेश, हरियाली से हैं हम और हमारा देश। धन्यवाद। आज जैसा कि हम लोग जान रहे हैं आज 5 जून है, आज पर्यावरण दिवस है, तो इस अवसर पर मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि हम लोग जो है आजकल फेसबुक या कोई भी कम्युनिटी वेबसाइट पर बड़े बड़े पोस्ट करके समझते हैं कि हमारा राजनीतिक और सामाजिक जिम्मेदारी हमारी ख़त्म हो गई है, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे में सेवा का भाव भी होना चाहिए, हमें समाज के प्रति अपना योगदान और देश के प्रति अपना योगदान अपने कर्म से भी देना चाहिए। और पेड़ लगाना एक बहुत ही पुण्य का कर्म है, जो कि आज इस एक कहिए एक बैलेंस्ड एक संतुलित पर्यावरण के लिए एक संतुलित जीवन के लिए अति आवश्यक है। धन्यवाद। अब आपका जी, अभी तो आप देख रहे थे प्लांटेशन हम कर रहे थे सैंडिस में, इससे पहले हम भारत विकास परिषद के साथ प्लांटेशन कर लौटे और सैंडिस में हम लगातार प्लांटेशन कर रहे हैं। आज हमारे पास पेड़ बरगद सागवान और महोगनी के लगाए गए हैं, हमारे बहुत सारे मित्र हैं और ये मिशन सपोर्ट को अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, प्लांटेशन में सहयोग कर रहे हैं। तो बिहार प्रदेश प्रभारी के दायित्व के साथ मैं लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप जहाँ भी हैं अपने आसपास वह जगह ढूंढें जहाँ पे कोई प्लांट लगाया जा सकता है। अगर लगाया जा सकता है, प्लांट को लगाना बहुत मुश्किल नहीं है, उसे उसके पीछे खर्च भी बहुत अधिक नहीं है, बस थोड़ा सा आप सहयोग करें और अपनी इच्छा जताएं कि हमको प्लांट करना है। ज़रूरत पड़े तो आप हमें संपर्क करें, हम आपके साथ आएंगे, आपको सहयोग प्रदान करेंगे। अगर आप खरीदने का समय नहीं रखते हैं तो हमें बुलाएं, हम पौधे लेकर आएंगे। आप बस ये इच्छा जताएं कि हमें प्लांटेशन करना है, पर्यावरण को बचाना है। बस हम आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं आप सबको।